विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने रजिस्ट्री घोटाले से लेकर ओवरलोडिंग और केंद्रीय कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा। रजिस्ट्री घोटाले पर चाचा अभय चौटाला और भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में तीखे तीर चले। इनेलो विधायक अभय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आरोप लगाया कि प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां हुई। डिप्टी सीएम ने लिखित जवाब में एक जगह गड़बड़ी नहीं होने तो दूसरी जगह 7A के तहत गड़बड़ी भी स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारी भी मान रहे हैं कि पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। अधिकारी कहते हैं कि मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि जब उनका आदेश न आए तब तक रजिस्ट्री नहीं करनी है। पंचकुला में ऐसा मामला आया है, सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे दूसरों की बात करते हैं, यदि गलत रजिस्ट्री का ठेका लेकर घूमते हैं तो निंदा करनी चाहिए। सरकार ने बदलाव किए हैं और इससे कई सदस्यों को दुख हो रहा है। कांग्रेस से किरण चौधरी, वरुण चौधरी, बिशनलाल सैनी आदि ने भी बड़ी रजिस्ट्रिया गड़बड़ी के मामले उठाए। उन्होंने भी इसकी जांच कराने की मांग की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, अभी 2017 से अब तक की हुई रजिस्ट्रियों की जांच करा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर की बजाय इस साल राज्य रेवेन्यू मिला है। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय द्वारा जींद में पशु विज्ञान सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में पशुओं के उपचार के साथ साथ उनकी सर्जरी भी हो सकेगी। इस सेंटर में एक्सरे मशीन भी उपलब्ध रहेगी। जींद विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल के सामने ये मुद्दा उठाया। सदन में बर्खास्त पीटीआई का मामला भी उठा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे तो गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों पर 15 मिनट के लिए कांग्रेस ने वॉकआउट किया। आखिर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस पर शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए तो गुप्ता ने कहा कि बिजनेस ही कम है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष ने कृषि कानूनों पर किसानों को बहकाने का काम किया है। हरियाणा में तेज आंधी और तूफान से बिजली के खंभों को गिरने और तारों के टूटने की स्टडी कराई जाएगी। चूंकि आंध्र प्रदेश के पुरी में काफी तेज तूफान आता है, खंभों के गिरने और बिजली की तारें टूटने की काफी कम घटनाएं हैं। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों का एक दल पुरी में जाकर स्टडी करेगा। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में ही तूफान में आंधी की वजह से 71,185 खंभे गिरे हैं। सदन में विपक्ष ने सरकार को ओवरलोडिंग, वाहनों और स्टोन क्रेशर को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर घेरा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि इसमें बड़ा खेल हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष 28,199 ओवरलोड वाहनों के चालान किए, 104 करोड़ 34 लाख रुपए जुर्माना वसूला, 164 FIR भी दर्ज की हैं। जब मंत्री जवाब नहीं दे पाए तो मोर्चा सीएम मनोहर लाल ने संभाला। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई नाम है तो बता दें, FIR दर्ज हो चुकी है। इस पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को घोटाले में शामिल अधिकारियों के नाम बताने में परेशानी ही क्या है। खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया 2021 गेम्स को लेकर किसी खिलाड़ी से सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेल विभाग द्वारा खेलो हरियाणा मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा। खिलाड़ी डाउनलोड कर देखेंगे कि उनके आसपास कौन सा स्टेडियम है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।